हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पढ़ रहे थे, हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, ये कराया जा रहा था। डेट है 13 अप्रैल, बुक एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 2.1। हमने आपको डेफिनेशन बताया इससे पहले पॉलिनोमियल्स का, और कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद एक ग्राफिकल का थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि कैसे होते रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें एक पैराबोला आपको मिला था, ठीक है, जो यू शेप का था, जो है उल्टा यू बनता था और सीधा बनता था इस तरीके से, एक्स एक्सिस पे वो कट करता था। तो वैसे ही ये पहली एक्सरसाइज 2.1, जिसमें आपको इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें दिया हुआ है, और इससे आपको बताना है कि इसका कितना सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारा है, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवेन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स। यहाँ पी एक्स कोई पॉलिनोमियल्स है, एक्स का मतलब कोई एक्स का फंक्शन है, और उसको वाई इक्वल टू लिखा गया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पी एक्स इन ईच केस। आपको इससे पहले जीरोस के बारे में बताया गया था, जीरोस होता है कि सॉल्यूशन कितना सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यानी अब इसमें उस सॉल्यूशन में जब हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, हमें सॉल्यूशन मिलता था, एक्स की कोई वैल्यू मिलती थी, जैसे एक्स स्क्वायर होता था तो उसमें एक्स की दो वैल्यू मिलती थी, तो उसी तरीके से जो वैल्यू होती थी उसका नाम यहाँ पे क्या पड़ गया, जीरोस हो गया, ठीक है। टेंथ में हम देखेंगे। अब इसमें हमें देखिए, एक्स एक्सिस एक्स डैश है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई होता है, ठीक है। इसमें ये एक्स एक्सिस पे पूछ रहा है कि इसका इसमें जो है कितना जीरोस होगा, तो आप देख रहे हो कि ये जो ये लाइन जा रही है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, इसलिए द नंबर ऑफ जीरोस विल बी जीरो, यानी इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इट इज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। अब देखिए दूसरे वाले डायग्राम को देखते हैं, दूसरा वाला डायग्राम ये भी वैसे ही सेम बना हुआ है, बस इसमें देखिए ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है इस तरीके का है, ठीक है। अब देखिए ये जो जा रहा है, इसमें वाई एक्सिस को कट किया, लेकिन हमें वाई एक्सिस नहीं देखना है, हमको एक्स एक्सिस सिर्फ देखना है, तो इस एक्स एक्सिस पे इसने जाकर के यहाँ एक पॉइंट पे कट किया, इसलिए इस वाले ग्राफ से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, द नंबर ऑफ जीरोस विल बी वन, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वन होंगे। क्यों होंगे? इट कट्स द एक्स एक्सिस ओनली वन पॉइंट, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम जीरोस कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा जो ग्राफ जा रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। तो ये देखिए, इसमें ए बी और सी, ये एक्स एक्सिस को इसने 3 पॉइंट ए बी और सी पे कट किया, ये देखिए ऐसे किया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका कितना सोल्यूशन हो जाएगा, 3 सोल्यूशन, बिकॉज रीजन आप लिख देंगे कि क्यों होगा। ऐसे ही फोर्थ में देखते हैं, यहाँ भी देखिए ये यू शेप का बना हुआ है, ओपन यानी कि पैराबोला बना हुआ है, तो इसमें देखिए ए और बी दो पॉइंट पे इसने कट किया, ये यहाँ से ऐसे आया और इस तरीके से गया, तो यानी ए और बी दो पॉइंट पे कट किया, इसलिए इसका कितना जो है जीरोज हो जाएगा, 2 जीरोज हो जाएंगे। रीजन आप लिख देंगे कि बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो इस तरीके से हम नंबरिंग भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आप उस डायग्राम को देखेंगे, जितने भी एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो उतना जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको करने के बाद ये तो थोड़ा सिंपल था, अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, जो पॉलीनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स होता क्या है, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिलेंगी, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और ये मेन होता है, ये भी बोर्ड में पूछा जाता है। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स नाम से ही आपको इससे पहले बताया गया कि जिसका पावर 2 हो, यानी कोई एक ऐसा एक्स का फंक्शन जिसमें पावर 2 हो, यानी उसकी डिग्री 2 हो, तो क्वाड्रेटिक हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आप देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स इज एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अच्छा, इसमें ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है रियल नंबर है, ये रियल नंबर्स हैं जिसमें ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अच्छा, ए की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा टर्म, फिर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगा, फिर ये बी एक्स और प्लस सी आ जाएगा, यानी लीनियर इक्वेशन बन जाएगा।
क्वाड्रेटिक है, इसके लिए आपकी a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। b से जीरो हो सकता है लेकिन a जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ और भी हम देखेंगे कि इसमें जीरोस कैसे पता करते हैं। तो उसके लिए है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स का जीरोस कैसे पता करते हैं, लिखा है दोस वैल्यूज ऑफ x व्हिच इज सेटिस्फाइड द fx x स्क्वायर प्लस b x प्लस c विल बी द जीरोस ऑफ fx, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि इसमें इसका जीरोस क्या होगा, तो जीरोस वही होगा जो इसमें x की कोई वैल्यू पुट की जाए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, यानी कि हमारा हमारी जो वैल्यू अगर कोई जीरोस है वो जीरो कर दे इसको ला करके। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि मान लीजिए कि इसका अल्फा और बीटा दो जीरोस है, टू जीरोस है, यानी तो f अल्फा यानी x की जगह क्या रखा जाएगा अल्फा, तो वो क्या आना चाहिए इक्वल टू जीरो आना चाहिए। वैसे बीटा भी इसका जीरो से तो एफ बीटा इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे। अब इससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन करेंगे तब वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कुछ रूल है कि कैसे हम जीरोस पता करते हैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का, ठीक है। तो रूल फॉर फाइंडिंग द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स, वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। हम इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, तो आप देखिए क्या क्या करते थे। एक्सप्रेस द गिवन पॉलीनोमियल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म fx equal to x square plus bx plus c। जैसे जो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे, यानी कि जैसे x square हुआ फिर bx फिर c होना चाहिए, यानी कि कहीं पे आप पहले bx लिख रहे हो फिर x हो इधर कर दो x square, यानी हम इस फॉर्म में अगर नहीं अरेंज है तो उसको उस तरीके से हम अरेंज कर लेंगे। अब देखिए दूसरी बात, इसके जो मिडिल टर्म बी एक्स है इसको हम स्प्लिट करेंगे, दो पार्ट में करेंगे, क्वेश्चन होगा तो उसमें आप देखेंगे। फिर देखिए जैसे ही इसको स्प्लिट करेंगे तो थ्री टर्म्स हैं तो फोर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसमें से टू टू में क्या लेंगे, कॉमा लेंगे जो कॉमन होंगे उसको हम लेंगे, ठीक है। फिर अगला फोर्थ पॉइंट है पुट एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जब दोनों में कॉमन हो जाएगा फिर हम एफ एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे। अब जो दो कॉमन हुए वैल्यू उनको जीरो के इक्वल कर देंगे और इस तरीके से हमें दो वैल्यूज यानी टू जीरोस मिल जाएंगे। एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि लेट पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू, ये हमारा कोई इक्वेशन है, पी एक्स है इसमें एक्स दिया हुआ है सारे में, इसको हम क्या लिख सकते हैं यार, इसको जैसे a 3 हुआ b माइनस फाइव सी टू हो गया, ठीक है। आप पी एक्स इक्वल टू इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, दूसरा हमारा क्या था स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट कैसे करते हैं, इसको इस लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टू जा 6। अब 5 को ऐसे ब्रेक करो कि 3 टू जा यानी दो नंबर में ब्रेक करिए कि उनको ऐड करें तो 5 हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाए, तो हमें 3 और 2 मिल रहा है कि माइनस 3 में माइनस 2 अगर प्लस करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा और 3 को 2 माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया गया है। तो अब ये दोनों ने जो है ऐसे इसको हमने ब्रेक किया माइनस 3x और ये कितने टर्म्स हो गए 1 2 3 4 हो गया। अब इन टू में और इन टू में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में 3x कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन लिया गया तो x माइनस 1 बचा, ऐसे ही इसमें माइनस 2 कॉमन लिया गया तो x माइनस 1 बचा। आप एक चीज़ देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में कि जो कॉमन वाली वैल्यू के बाद जो कॉमन लिया जाता है इसमें ये और ये दोनों सेम मिलते हैं, जैसे x माइनस 1 x माइनस 1 दोनों में x माइनस 1 कॉमन हो गया तो क्या बचा 3x माइनस 2। अब ये तो हमें मिल गए, ठीक है। अब आपको क्या पुट करना है, अगला स्टेप अगेन पुट एफ एक्स इक्वल टू जीरो यानी पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो। अब पी एक्स की वैल्यू क्या आई है, ये आई है यानी पी एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। अब हमें एक तो ये मिला एक ये मिला, या तो ये जीरो की इक्वल है और या फिर ये जीरो की इक्वल है, तो दोनों को एक एक बार हम इक्वल के दिखा देते हैं। तो इफ एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू वन हो गया एंड इफ थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जीरोस पता करेंगे। आप अगली एक्सरसाइज हम करवाएंगे तो उसमें आपको कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू।